थाने में स्थित कलवा के हिंदी हाई स्कूल कलवा में यदुवंशी एकता मंच द्वारा होली मिलन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया। जेजेबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप बने रहें ताजा तरीन खबरों के साथ। गया इस समारोह में मुख्य अतिथि रहे शिवसेना नेता शशि यादव, नगर सेवक राम आशीष यादव, पूर्व नगर सेविका श्रीमती रीता यादव, समाज सेवी राम विलास यादव, कल्लन यादव, रमेश यादव, शिवसेना शाखा प्रमुख पारस यादव, बिरहा सम्राट बली ब्रिजबली यादव, विद्यालय प्रबंधक बाबू राम यादव, उपशाखा प्रमुख लालजी यादव, समाज सेवक लक्ष्मीकांत यादव आदि मान्यवर उपस्थित रहे। समारोह में संस्था के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव, उपाध्यक्ष राम प्रसाद यादव, उप सचिव रमा शंकर यादव, योगेश यादव, उप खजिनदार जंग बहादुर सहित संस्था के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस होली मिलन समारोह में कार्यक्रम में बिरहा का भी आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने चढ़ बढ़कर भाग लिया। महाराष्ट्र में जहां यादव समाज का एक बहुत बड़ा रोल है, कृष्ण वंशज कहे जाने वाले यदुवंशी एकता मंच ने आज होली मिलन समारोह का एक बड़ा प्रोग्राम कलवा विद्यालय में किया है। यहां पे दर्शकों की भीड़ जमी थी तो वहीं यादव समाज के हर नेता ने यहां आके अपना अपना विचार व्यक्त किया। हम जानेंगे वो यहाँ के संस्था के कई पदाधिकारी हैं कि आखिर ये होली मिलन समारोह करने का वजह क्या था। हमारा ये विचार था कि हम अपने यादव भाई को एक बंधन में बांटें, बांध के रखें, जो कि सबकी विचारधारा एक हो और हम एक संघर्ष करें कि हमारा यादव समाज आज थाने में, फिर महाराष्ट्र में, हो सके तो पूरा इंडिया में। कलवा में भी बहुत बड़ा जनसंख्या है यादव समाज का, तो यदुवंशी एकता मंच यादव समाज को इकट्ठा करने में कितना प्रतिशत अभी तक मतलब सहभागी हो पाए हैं लोग आपके इस मंच पर? ऐसे देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे कुछ 70% लोगों को जोड़ चुके हैं अपने मंच से, और कोशिश रहेगी कि 100% करें, और ऐसी कोशिश रहे और सबका सहयोग मिलता रहा तो आगे जरूर इसका परचम हम लोग महाराष्ट्र तक फैलाएंगे। तो ये थे हमारे इस संस्था के अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने अपनी कोशिशों को करीब करीब 70% तक पूरा कर चुके हैं, और इनका कहना है कि हमारे समाज को महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के दुनिया के कोने तक ले जाना है। कहा जाता है कि एक समाज को चलाने के लिए एक कमेटी ही नहीं बल्कि लोगों की भी ज़रूरत होती है, उसमें अनुभवी भी चाहिए और युवा भी। ऐसे अनुभवी हमारे साथ हैं और हम जानेंगे कि आखिर में इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए उनका क्या सहयोग है और लोगों को क्या वो कहना चाहेंगे। यहाँ पे उद्देश्य एकदम साफ है कि यदुवंशी जो ये संस्था बनी है, यहाँ पे सभी वर्ग के लोगों का, जो गरीब हैं, यहाँ जाति मजहब की बात नहीं है, जो हमारे दबे कुचले भाई हैं, यहाँ मानवता की सेवा होगी, इंसानियत की सेवा होगी। समाज के सारे जो गरीब लोग हैं, जिन्हें दवा की ज़रूरत है, जिन्हें घर की ज़रूरत है, जिन्हें एक समाज में दबे कुचले हैं सहारे की ज़रूरत है, तो ये यदुवंशी समाज जो है मानवता का सहारा बनी। जैसे कि लोगों का मानना है कि एक समाज में, समाज तो होता ही है, वहीं एक समाज के लोग कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होते हैं। आज हम बात करेंगे एक बीजेपी के पदाधिकारी से कि आखिर यादव समाज उनके लिए कितना बड़ा कारगर साबित होता है उनके राजनीतिक करियर में। सर नमस्कार, नमस्कार। आप यहाँ पे आए, आपके समाज का एक प्रोग्राम था, क्या कहना चाहेंगे? आज बीजेपी सत्ते में है लेकिन कहीं ना कहीं अपने दावों से विफल रही है। सर बीजेपी सत्ते में है, मैं समाज का एक कार्यकर्ता, एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद मैं एक जिस वंशज में पैदा हुआ हूँ, यादव कुल में मैं पैदा हुआ हूँ। पार्टी लेवल की बात एक अलग हो जाती है कि जहाँ पे पार्टी का काम आता है वहाँ पे तो पार्टी की बात ही होती है, लेकिन मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं यादव कुल के लिए जहाँ तक हो सकेगा, मतलब अगर मैं पार्टी से जुड़ा हूँ तो ये मतलब आप लोग मत सोचिएगा कि कोई भी, मैं सिर्फ यादव वंश को लेके ही चलूँगा या यादव कुल को लेके ही चलूँगा, मेरे लिए सब एक ही तरीके हैं। लेकिन जहाँ पे जो दबे कुचले लोग हैं, अगर हमने संस्था चालू किया है यादव मंच पे, अगर हम लोगों ने यदुवंशी मंच चालू किए हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो गरीब कुचले दबे लोग हैं तो हम सब उनकी मदद के लिए इकट्ठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सर आप इस संस्था के द्वारा आप कितने लोगों को अपने समाज को इसमें जोड़ेंगे और क्या मदद कर सकते हैं आपके लिए? सर अब तक जैसे बताया सर ने, 70% लोग हमसे, हमारे जो यादव लोग हैं सब जुड़ चुके हैं,
जहाँ तक हो सकेगा कोशिश वहाँ तक हम लेके जाएंगे अपने यादव समाज को, और यादव समाज से जहाँ तक जो भी गरीब पीछे लोग हैं, जहाँ पे जो दबे कुचले लोग हैं, जहाँ पे सेवा अच्छे से नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे हम अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करेंगे, यादव समाज जो भी रहेंगे, और वहाँ से हम उनके जितना तक हो सके मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये थे बीजेपी के एक ऐसे नेता जो समाज के लिए दिन रात खड़े होने की बात करते हैं। देखना ये है कि अपनी बातों पे कितने खरे उतरते हैं। यदुवंशी एकता मंच ने आज जो होली मिलन समारोह रखा, उसके कोर कमेटी के एक ऐसे सदस्य से हम बात करेंगे जो अपने आप में एक गरिमा से भरपूर प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं और काफ़ी उनका समाज सेवा में एक्सपीरियंस रहा है। संस्था हमारे अपने समाज के लिए हर काम में दक्ष है, हर काम करने के लिए तत्पर है, और अपने समाज के अलावा गरीब शोषण वर्ग के जो शोषित लोग हैं और जो चीज़ हैं अनेकों भी हमारी संस्था काम करने के लिए सक्षम है और समय पड़ने पर करती है और करेगी। किसी भी समाज को चलाने के लिए जहां युवा वर्ग की काफ़ी ज़रूरत होती है, वहीं यादव समाज में कई युवा खड़े हैं और हम जानेंगे इनकी राय कि आखिर यदुवंशी एकता मंच में ये क्यों जुड़े। यदुवंशी एकता मंच एक हमारे युगकुल के हमारे कृष्ण भगवान के मथुआ बिरादरी के मंच हैं, इसके लिए यदुवंशी एकता मंच से हम जुड़े हैं। जय माधव, जय माधव, जय माधव, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। तो देखा आपने यहाँ के यदुवंशी समाज के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी कि यादव समाज को बढ़ाने के लिए वो दिन रात एक करेंगे और यादव समाज को बढ़ाते रहेंगे। अब देखते रहिए हमारी खबरों को, हम आपको दिखाते रहेंगे खबरों का अपडेट। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, जे वी न्यूज थाने। आप हमारे YouTube पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि आपको मिल सके हमारे खबरों के नए अपडेट का नोटिफिकेशन।